एक फॉर्मूला जो F इक्वल टू MA भी होता है ना, वो भी हम यहाँ लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में मुझे नहीं लगता कि सर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से दिक्कत आएगी। बच्चा मेरी बात सुनेगा जैसे मैं पढ़ा रही वैसे पढ़ेगा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी इंग्लिश अच्छी। सर पाठशाला 24/7 हर गरीब से गरीब बच्चे के लिए उसके साथ खड़ा है। सर बरेली मिरर देखकर जो भी बच्चा हमारे पास में आता है, जिन कोर्सेज की हम फीस ले रहे हैं, पेड कोर्सेज हैं, उनको भी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे बच्चों के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मिनी बाईपास भास्कर हॉस्पिटल के ठीक सामने मठ लक्ष्मीपुर रोड पर। आपको बता दें यहाँ पर है पाठशाला 247 जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस दे रही है। 9th, 10th, 11th, 12th वाले जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। पाठशाला 247 कैसे क्लासेस दे रही है बच्चों को? पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप मोबाइल एप्लीकेशन कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराता है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा फ्री नोट्स, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज, फ्री बुक्स लाइब्रेरी, ये बहुत सारी सर्विसेज है जो बच्चों को मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। चलिए सर मैं आपको स्टूडियो दिखाता हूँ, मैथ्स की क्लास चल रही है जिसमें बच्चों को कोई डाउट्स होते तो यहाँ से बच्चे डाउट देख सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो ऐसे क्लासेस होती है, आप यहाँ से अगर आपको कोई डाउट लग रहा है किसी भी तरह की, कोई आपको फॉल्ट नजर आ रहा है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा किस न्यूमेरिकल को लेकर परेशानी आती है बच्चों को? बच्चों को दरअसल क्या होती है, जब वहाँ पर मिक्स वाले क्वेश्चन चलते हैं इस चैप्टर में, जैसे बेन डायग्राम है या मतलब कह सकते हैं आलेख वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वाले होते हैं, बेन डायग्राम बनाने वाले होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों को अक्सर मतलब दिक्कत आती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में मुझे नहीं लगता कि सर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से दिक्कत आएगी। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कठिन क्या होता है बच्चों के लिए, क्या समझ नहीं आता है? सर बायोलॉजी के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए जो फिजिकल पार्ट होता है केमिस्ट्री का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं इस वजह से। और अगर मैं बात करूँ मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो उसमें जो इनऑर्गेनिक का पार्ट होता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी रटने वाली होती हैं, हालांकि सबका लॉजिक होता है बट उसमें कुछ चीज़ें हमें रटना होती हैं, तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। आज के टाइम में देखा जाता है कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश, उनकी ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वीक होती है, लेकिन पाठशाला उनको कैसे एजुकेशन दे रहा है, कैसे उनको स्ट्रांग बना रहा है? मैं सिर्फ टॉपिक और चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ उनको ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी पूरा लर्न करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोएम लर्न कर रहे हैं तो पोएम ही लर्न करें, उसके साथ साथ कैसे बोला जाता है हर एक वर्ड को। और अगर बच्चा मेरी बात सुनेगा जैसे मैं पढ़ा रही वैसे पढ़ेगा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो जाए। मुझे लगता है बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ना, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन पाठशाला के थ्रू कैसे इसको और इंटरेस्टेड बना रहे हैं आप? पाठशाला के थ्रू से हम नए नए डायग्राम्स को ऐड करेंगे, हम उन्हें बनाने का अच्छा तरीका बताएंगे बच्चों को, और हम मेन मकसद इस पाठशाला का ये है कि ये कंपटीशन के और बोर्ड के बीच के गैप को कम कर सके। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई भी ऐसा सेटअप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं आया था जो कंप्लीट कोर्स इवन विद जो कहते हैं ना कि फीस होती है वो ना के बराबर हो, और बच्चों को जो कन्वीनियंस नहीं होता है उस सब को हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं इस तरीके से कि घर 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 घर, जो एक इवन मुझे लगता है सबके पास एक मोबाइल तो घर में होता ही है, ठीक है, तो बच्चों को एक मोबाइल के सहारे हम लोग कंप्लीट एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी ना मात्र की फ़ीस में। अगर वो भी हमें लगता है कि ऐसा हो जाए कि बच्चे के पास ये भी नहीं है तो हम लोग उस पर भी राजी हैं, पर एजुकेशन सब तक पहुँचनी चाहिए, मेनली 10th और 12th की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंटेंट टीचर का रेडी टू अपडेट रहे, बिल्कुल जो लेटेस्ट क्वेश्चन आज तक उसके एग्जाम्स में आए उनसे अपडेट रहे, उसके लिए हमारी पूरी टीम अपना बैठ कर R&D करती है, रिसर्च करती है, कंटेंट तैयार करती है, फिर बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। पाठशाला 247 को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बच्चे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से पाठशाला 247 बोर्ड एग्जाम प्रेप मोबाइल एप्लीकेशन को बच्चा डाउनलोड करे, वहाँ से नॉर्मल सी बेसिक डिटेल डालने के बाद उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे बच्चा हिंदी फ्री पढ़ सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास फ्री पढ़ सकता है, सामाजिक विज्ञान की क्लास फ्री पढ़ सकता है, ये बच्चे के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। इसके अलावा जो पेड क्लासेस हैं जैसे मैथ्स का है, साइंस का है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप की जो क्लासेस हैं, इनका कंप्लीट पैकेज हमारा जो 9th और 10th के बच्चों के लिए सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में फीस बच्चों को पड़ती है, जिसमें बच्चा पूरी तैयारी कर सकता है। यानी ₹1 प्रतिदिन बच्चा अगर हमको पे करता है तो पूरी साल भर अपनी क्लासेस को अच्छे से पढ़ सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपके पाठशाला की फ़ीस को पे नहीं कर सकते, बहुत गरीब तबके बच्चे हैं, मतलब कोई रिक्शा चलाता है, ठीक है, और उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, अपने शहर का, गाँव का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन क्या है कि उसके आगे वही समस्या आती है पैसों को लेकर। तो क्या पाठशाला
247 कोई ऐसी सुविधा भी करे हुए है जो उस बच्चे को यहाँ से उसको शिक्षा मिल जाए? सर, पाठशाला 247 हर गरीब से गरीब बच्चे के लिए उसके साथ खड़ा है, उसके शिक्षक शिक्षित होने में उसके साथ खड़ा है। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो सच में ये फीस पे नहीं कर सकता है, तो पाठशाला 247 का ये वादा है कि हम एक आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, उस नंबर पर फ़ोन करके या हमारे ऑफिस पर विजिट करके जो पेड कोर्सेज हैं उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर, जैसा कि सर ने कहा था, आपको एक ऐप्स है पाठशाला 247 का, उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी पूरा करना है और उसके बाद आप पाठशाला से जुड़ सकते हैं। सबसे बहुत अच्छी चीज़ ये कही है सर ने कि जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके आगे पैसे की परेशानी है, तो वो स्क्रीन पर एक नंबर है उस पर कॉल करें और वाकई में लगना चाहिए कि वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा उनके आगे परेशानी बने हुए है, उन लोगों को ही फ्री क्लास दी जाएगी और ये क्लास सिर्फ बरेली मिरर की तरफ से ही प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए स्क्रीन पर एक नंबर है, आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर एड्रेस भी है, नंबर भी, आप सर से बात कर सकते हैं। और डेमो क्लासेस देखना है आपको तो यूट्यूब पर जाकर आप पाठशाला को सर्च करेंगे और आप वहाँ से जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनका पहले आप समझें, उसके बाद आपको समझ आता है तो आप फिर कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आपको वाकई में अपने घर वालों का या जिस जगह आप रह रहे हैं नाम रोशन करना है तो पाठशाला को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो देखते रहिए बरेली मिरर, जय हिंद दोस्तों। आ चुका है तो 5 को भी लेना होगा और मतलब एक अवयव बच्चों एक ही बार लेंगे, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर कोई अवयव किसी समझ में रिपीट हो भी रहा है तो वहाँ पर उसको एक बार लिख देंगे।